हेलो दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव मीन्स होता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कोई भी एक्शन किसी न किसी के प्रेरणा से होता है। खुद के मर्जी से सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। जब भी कोई काम करेगा दूसरों के प्रेरणा से करेगा तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे कॉजेटिव वर्ब। उसमें जो एक्शन होता है उसे कॉजेटिव वर्ब बोलेंगे। कॉजेटिव वर्ब में आज हमें क्या क्या सीखना है, गेट, हैव, मेक, लेट और हेल्प का प्रयोग। हिंदी में कैसा वर्ड होगा जिसे सीखना है, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं लिखना, लिखाना, लिखवाना, लिखने देना, लिखने में मदद करना, और उसी प्रकार से मान लीजिए हंसना, हंसाना, हंसवाना, पेड़ लगाना, पेड़ लगवाना, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। और इसीलिए ज़रूरी होता है कि प्रेरणार्थक क्रिया को पढ़ें, कॉजेटिव वर्ब को पढ़ें। आज हम पूरे डिटेल में बतलाने जा रहे हैं पूरे सेंटेंस के साथ में, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा वर्ड ले लीजिए लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना। अगर ए, यहाँ पर जो ए है, अगर ये खुद हंस रहा है, अगर ए खुद हंस रहा है तो हम इसे बोलेंगे लाफ, लाफ बोलेंगे, क्योंकि ए खुद हंस रहा है इसीलिए लाफ हुआ। लेकिन जैसे इसे हंसाया जाएगा या फिर ये किसी को हंसाएगा, मान लीजिए कि अब ए जो है बी को हंसा रहा है, ए बी को हंसा रहा है, तो अब इसमें क्या हुआ, हंसाना, ए बी को हंसाता है, तो इसमें सेंटेंस बदल जाएगा। उसके लिए जो फ्रेज हम आपको बतला रहे हैं वो क्या है, जैसे मेक वंस, और वंस के जगह पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो मेक वंस लाफ, मेक वंस लाफ। और इसी तरीके से हर कुछ होगा। मान लीजिए यहाँ पर राइट, अगर ए खुद लिखता है तो राइट हो गया। ए अगर बी से, बी को प्रेरणा देता है लिखने के लिए, तो वहाँ पर मेक समवन और उसके बाद लाफ हो जाएगा। मतलब मेक वंस उसके बाद वर्ब वन का, वन का प्रयोग करना है। अब क्या करना है कि अब सी बच गया तो ए जो है बी के, बी से हेल्प लेकर के सी को हंसाएगा। मान लीजिए ए डायरेक्ट इसको नहीं हंसा रहा है, ए सी को डायरेक्ट नहीं हंसा रहा है, अब क्या कर रहा है, वो ए बी से मदद लेकर के और सी को हंसवा रहा है। ए डायरेक्ट नहीं हंसा रहा है, बी के जरिए सी को हंसवा रहा है, और उस कंडीशन में जो वर्ब होगा वो हो जाएगा, अब क्या तो गेट का प्रयोग कर सकते हैं, गेट और प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब थ्री, यानी कि दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं गेट प्लस वंस और वी थ्री। आप यहाँ पर गेट के जगह पर हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार हैज भी आ जाएगा। तो ये हुआ सिंपल बात जो आपको कॉजेटिव वर्ब के बारे में जानना है, और ये बहुत ही आसान हो गया। ए खुद हंसेगा लाफ, ए अगर बी को हंसाता है तो मेक लाफ या मेक वंस लाफ, अगर ए बी के जरिए सी को हंसाता है तो उसमें गेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री, मतलब हैव हैज का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। अब चलिए सेंटेंस के रूप में एक एक करके देख लेते हैं और एक एक सेंटेंस को सही से समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं ए बी को कैसे हंसाता है, उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेक और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वी वन का यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट किसी को हंसाता है तब। तो बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वह मुझे हंसा देता है, टेंस का ज्ञान जरूरी है। अगर आप कॉजेटिव वर्ब्स को पढ़ते हैं तो टेंस का ज्ञान जरूरी है, पैसिव का भी ज्ञान जरूरी है, क्योंकि हम अभी पूरे डिटेल में बतलाने जा रहे हैं। तो देखेंगे वह मुझे हंसा देता है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही और हंसा देना, तो देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी लाफ, बिल्कुल आसान है। तो करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि मेक मैंने वो टेंस के अनुसार मिक्स हुआ, इस रूल को याद रखेंगे, उसने मुझे रुला दिया। अब फिर ये पास्ट इंडिफिनिट का है और कॉजेटिव की तरह बनाना है, तो उसने मुझे रुला दिया, हम क्या करेंगे, ही मेड मी, इसे याद रखेंगे। वीप, यहाँ पर क्या है, जैसे ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुला दिया या फिर उसने मुझे हंसा दिया, ही मेड मी लाफ, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये टेंस का आपको जानकारी रखना जरूरी है कॉजेटिव वर्ब पढ़ने में भी। अब देखिए कॉजेटिव वर्ब में पैसिव का भी यूज करना होता है, और कैसे,
जैसे देखेंगे उसे भी रुलाया गया, हम बोल रहे हैं कि उसे भी रुलाया गया, अब कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ रूल आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे देख लेते हैं स्ट्रक्चर, इसमें हम लिखे नहीं हैं, आप समझिए। जैसे उसे भी रुलाया गया तो ही वॉज ऑल्सो मेड, और बस इसी को याद रखना है कि मेड के बाद में टू का प्रयोग करेंगे, ही वॉज ऑल्सो मेड टू वीप, उसे भी रुलाया गया, ही वॉज ऑल्सो मेड टू वीप, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है मैं तुम्हें नचा सकता हूँ, मतलब कॉजेक्टिव वर्ब का प्रयोग हम मॉडल में भी कर सकते हैं, कैन के साथ में, किसी के साथ में कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें नचा सकता हूँ तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं आई कैन मेक यू डांस, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। और आगे देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। अब क्या है कि ए जो है बी के जरिए सी को हंसवाएगा, हंसवाता है बी के जरिए सी को, ए डायरेक्ट किसी को नहीं हंसाता बल्कि बी के जरिए सी यानी दूसरे के जरिए किसी तीसरे को हंसाता है, कोई भी काम करवाता है। जैसे उसने खेत पटवाया, मान लीजिए कि मैं आप कोई भी लेबर मजदूर रख करके खेत अगर पटवाते हैं, खुद नहीं पटाते बल्कि किसी के जरिए खेत को पटवाते हैं, उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, उसने खेत को पटवाया तो हम लिखेंगे ही, और गेट या फिर हैव का प्रयोग करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर गेट का प्रयोग करते हैं लेकिन पास्ट इंडिफिनिट है तो गॉट का प्रयोग करेंगे, ही गॉट द फील्ड, He got the field, और watered का प्रयोग कर देंगे, watered, He got the field watered, उसने खेत पटवाया। सीखना क्या है, अब यहाँ पर चाहें तो देखिए यहाँ पर got है, हम यहाँ पर had का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि past indefinite का है, तो यहाँ पर have के जगह पर had का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यह present में रहता तो हम यहाँ पर has का प्रयोग भी कर सकते थे, get का प्रयोग भी कर सकते थे। उसके बाद है राजू ने बाल कटवाया, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे राजू, और हम चाहें तो अब देखिए पास्ट वाली बात है तो हैड भी लिख सकते हैं या फिर चाहें तो हम गॉट भी लिख सकते हैं। तो राजू हैड और बाल कटवाया तो हम लिख सकते हैं हिज हेयर, राजू हैड हिज हेयर, और कट का वी थ्री भी कट ही होगा, तो राजू गॉट हिज हेयर कट, राजू ने अपना बाल कटवाया, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने एक पत्र लिखवाया, इसमें भी हम किसी दूसरे के जरिए हम पत्र लिखवा रहे हैं तो कैसे होगा, अब क्या है कि मैंने एक पत्र लिखवाया तो हम क्या करेंगे, आई गॉट लिखेंगे या फिर आई हैड का प्रयोग कर सकते हैं, आई गॉट अ लेटर रिटन, वी थ्री का प्रयोग करेंगे, आई गॉट अ लेटर रिटन, मैंने एक पत्र लिखवाया, हम चाहें तो यहाँ पर हैड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई हैड अ लेटर रिटन ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है मैंने एक घर बनवाया, मान लीजिए खुद तो बनाते नहीं तो किसी दूसरे के द्वारा बनवाते हैं, ठेकेदार को बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं, फिर वो बनवाता है, तो जो भी हो जैसे भी हो, तो मैं एक घर बनवाया तो हम क्या करेंगे, आई गॉट अ हाउस, और बनवाना का यहाँ पर हम बिल्ट का प्रयोग कर सकते हैं घर बनवाने के लिए, आई गॉट अ हाउस बिल्ट, मैंने एक घर बनवाया, हम चाहें तो यहाँ पर मेड का प्रयोग भी कर सकते हैं चाहें तो। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, अब क्या है कि कॉजेक्टिव वर्ब हमेशा प्रेरणा से ही काम होता है, कॉजेक्टिव वर्ब का मतलब समझ रहे हैं कि डायरेक्ट सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता बल्कि किसी से प्रेरणा लेकर ही काम करता है। तो अब क्या है कि वह मुझे तुमसे बात करने नहीं देती है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में लिट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग करना है। जैसे लिट का प्रयोग पढ़े हैं उसी को टेंस में कैसे यूज करेंगे, कॉजेक्टिव वर्ब में कैसे यूज होगा वो देख लीजिए। जैसे वह मुझे तुमसे बात करने नहीं देती है तो हम लिखेंगे सी, और ये टेंस है ना, तो सी डज नॉट लिखेंगे, सी डज नॉट लेट मी,
और उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करना है, निगेटिव है, क्योंकि इस तरह का जो सेंटेंस अधिकांशतः निगेटिव यूज होता है, वह मुझे ये काम करने नहीं देता, वो मुझे वो काम करने नहीं देता। तो शी डज नॉट लेट मी टॉक टू यू, टॉक टू यू, वह मुझे तुमसे बात करने नहीं देती है, वह मुझे कहीं जाने नहीं देती है, हम बोल रहे हैं वह मुझे कहीं जाने नहीं देती है। फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे शी, और यहां पर डज नॉट का यूज होगा, तो शी डज नॉट लेट मी गो, लेट मी गो एनी वेयर, एनी वेयर, वह मुझे कहीं जाने नहीं देती है। तो एक बात जरूर है कि आप कॉजेटिव वर्ब पढ़ने में टेंस को जरूर दिमाग में रखेंगे, क्योंकि टेंस पर ही बहुत सारे सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो कॉजेटिव वर्ब में आप देख रहे हैं कि सिर्फ प्रेरणा से ही काम हो रहा है। उसके बाद फिर लेट के प्रयोग में और देख लेते हैं, जैसे तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो, किसी दोस्त को बोल रहे हैं कि तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो, तो फिर हम लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यू डोंट लेट मी स्टडी, तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो, तो यू डोंट लेट मी स्टडी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या मैं तुम्हें बाजार जाने नहीं देता हूँ, क्या मैं तुम्हें बाजार जाने नहीं देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि टेंस है तो डू डज का प्रयोग होगा ही, तो हम लिखेंगे डू आई नॉट लेट यू गो टू मार्केट, क्या मैं तुम्हें बाजार जाने नहीं देता हूँ। तो लेट का प्रयोग भी ये कॉजेटिव वर्ब में आता है, क्योंकि इसमें भी प्रेरणा से ही कोई एक्शन होता है, हम किसी को इंस्पायर करते हैं, कारण बनते हैं किसी एक्शन को होने का। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, हेल्प का प्रयोग भी बहुत किया जाता है कॉजेटिव वर्ब के लिए, और स्पोकन इंग्लिश में तो ये बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए सेंटेंस को, देख लीजिए, जैसे उसने मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद किया, हम बोल रहे हैं कि उसने मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद किया, फिर कैसे बोलेंगे इसे, तो ये भी पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो उसे याद रखना पड़ेगा, उसने मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद किया। हम लिख सकते हैं ही हेल्प्ड मी, और बस जो बातें याद रखना है कि इसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। हम हेल्प का जब भी यहाँ पर यूज़ करेंगे और वर्ब उधर देना है, तो देखिए दोनों सही होगा, हम फुल इन्फिनिटिव का भी यूज़ कर सकते हैं, टू का प्रयोग और कर सकते हैं, उसके बाद विदाउट टू वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो है बिना टू का ही वर्ब लिखा जाएगा। जैसे ही हेल्प मी, वह मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद किया, उसने मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद किया, ही हेल्प मी, और उसके बाद हम लिखेंगे लर्न इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद किया, ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद है, क्या तुम मुझे बक्सा उठाने में मदद कर सकते हो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और कोई बक्सा है, अकेले नहीं उठा पा रहे हैं, तो किसी से अगर मदद लेना है तो आप कैसे बोलेंगे, क्या तुम मुझे बक्सा उठाने में मदद कर सकते हो, तो मॉडल वर्ब है, तो कैन यू हेल्प, और उसके बाद कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, है ना, क्या मुझे बक्सा उठाने में, तो हम डायरेक्ट द भी लिख सकते हैं, द बॉक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कैन यू हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स, क्या तुम मुझे बक्सा उठाने में मदद कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है, मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए, बहुत मज़ेदार है, और इसी तरीके का मज़ेदार हम आपको बतलाते रहेंगे। उसके बाद से आज का जो क्वेश्चन है, देखते हैं, मैंने एक पेड़ लगवाया, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं खुद कोई पेड़ लगाया, तो सीधा सेंटेंस है, लेकिन मैंने पेड़ लगवाया, मैंने एक पेड़ लगवाया, इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से कोई काम करवाए हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, गेट हैव और ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है, आप कितना सही तरीके से लिखते हैं, आपके एक एक आंसर को हम पढ़ते हैं, जवाब देते हैं आपको, आपको सजेस्ट करते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इसका आंसर जरूर लिखिए, हम एक एक करके चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।